मध्य प्रदेश के बारे में हमेशा से कहा जाता है एमपी गजब है, एमपी अजब है। मध्य प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा में अजब एमपी की गजब कहानी देखने को मिली, जब बुंदी विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत ससली में निर्विरोध सुलोचना बाई को ग्राम पंचायत का सरपंच चुन लिया गया। चारों तरफ ग्राम ससली की वाहवाही गूंज रही है। समरस पंचायतों में ससली का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरपंच ही नहीं सभी पंच भी ग्राम पंचायत में अब केवल महिलाएं ही होगी। इस संबंध में जब आदर्श न्यूज के संवाददाता ने ग्राम पंचायत ससली का दौरा किया तो नवनियुक्त सरपंच सुलोचना देवी मिली जो बकरी चरा रही थी। उनके खेत में जहाँ पहुंचकर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मैं तो बकरी चराने का भी काम करती हूँ। जब हमारे संवाददाता ने पूछा तो आप पंचायत कैसे चलाएंगी, उन्होंने कहा अब पंचायत चलाने का अवसर भी मिला है, जैसा सब लोग कहेंगे वैसा मिलजुल कर करेंगे। साथ ही सुलोचना देवी ने यह भी बताया कि वह मजदूरी करती हैं, वहीं तीन घरों की बकरी भी चराती हैं और आगे भी परिवार का पालन पोषण के लिए करती रहेंगी। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सुलोचना देवी को गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब तक नहीं मिला है, वह अपने स्वयं के मकान में ही निवास करती हैं जो उनके पिता द्वारा उन्हें दिया गया था। बुधनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत ससली इसलिए भी विशेष हो जाती है क्योंकि ससली ग्राम पंचायत वह ग्राम पंचायत है जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्ज्वला योजना में अति विशिष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित भी किया था, क्योंकि ससली सीहोर जिले का पहला ऐसा गाँव था जो धुआं मुक्त घोषित हुआ था। इस ग्राम पंचायत की स्थिति पर नजर डालें तो लगभग 100 से अधिक मकान हैं जिनमें तकरीबन 700 लोग निवासरत हैं। अब निर्विरोध सरपंच चुने जाने के कारण और पूरी पंचायत में महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बनने से यह पंचायत समरस घोषित हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदारों ने तथा ग्रामवासियों ने जिन उम्मीदों के साथ ग्राम पंचायत को निर्विरोध बनाया है, साथ ही सुलोचना देवी जैसी गरीब मजदूर महिला को आगे बढ़ाया है, वह क्या वाकई में ग्राम के उद्देश्यों को पूरा करने में कितना सफल हो पाती है। आदर्श न्यूज के लिए नसरुल्लागंज से मुकेश प्रजापति खास रिपोर्ट। प्योटी जे आएगी जे सब हफ्ते हम दिलवाएंगे खुशी और भी कुछ काम आगे बढ़ाएंगे। खरा है रोड बनवाना है और इधर पीछे गली है उसको भी सही करवाना है और खुशी आएगी खुशी भी दिलवाएंगे। जिस प्रकार गांव में इतना बड़ा गांव है 45 सबको यहाँ पर्याप्त मिल गया कि उनके लिए कुछ आप अभी क्या मिला अभी नहीं मिला जिनको नहीं मिले उनको दिलवा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि पूरे प्रदेश में समरस पंचायत बनाने का, तो वो काम हमारे ग्राम ससली ने किया है। महिलाओं को ही हमने पंच वार्ड बनाया है और महिला को ही हमने सरपंच बनाया है और हमने नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक मंशा थी कि समरस पंचायत बने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान भी किया था कि जो समरस पंचायत से निर्विरोध पंचायतें बनेगी और बहनों के हाथ में बागडोर सौंपी जाएगी, तो उसका अनुसरण ससली ग्राम पंचायत में हुआ और यहाँ के गांव के लोगों ने ससली नारायणपुरा और झकला ये पहली बार पंचायत बनी है और यहाँ के लोगों ने बैठ के एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम भी हमारी महिला ग्राम पंचायत है और इसमें हमारी पंच भी बहनों को बागडोर सौंपी जाए, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो समृद्ध ग्राम पंचायत बनेगी जिसमें महिलाओं को पूरा दायित्व दिया जाएगा वहां पर पूरा सर्वांगीण विकास होगा। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।